Okay. देखिए हाँ आज दो बिग स्टॉक जो हम लेके चल रहे हैं एक गली बॉय में डायलॉग था ना अपना टाइम आएगा हुँ. वो मेरा व्यू रहेगा अशोक लेलैंड पर बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया अशोक लेलैंड ने मुझे लग रहा है आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा अशोक लेलैंड कल पोजिशनिंग है हालांकि पॉजिटिव साइड पर है लेकिन इससे पहले जो मेरा गोल्डमैन सैक्स ने जो मेरा व्यू पहले वो चला दीजिए ऑल टाइम हाई मार्जिनस मैं क्यों पॉजिटिव हूँ अशोक लेलैंड पर क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्जिनस अशोक लेलैंड ने डिलीवर करें अच्छा ये लाइन मिस हो गई है मेरे ख्याल से आ, पहला जो रीज़न मेन रीज़न मैं इसको लेकर चल रहा हूँ अशोक लेलैंड पे आ, बुलिश कॉल का लेकर वो इसलिए कि ये हाँ ये बल लाइन कि सबसे स्ट्रॉन्ग एबिडा मार्जिन इसकी हिस्ट्री में और एक चीज़ समझ लीजिए आप ऑटो कंपनियों में अगर मार्जिन ट्रजक्ट्री चेंज होती है तो उसकी जो अर्निंग्स है ना वो मल्टीपल्स ग्रोथ होती है टी मोटर की री क्यों हुई है पिछले दो साल में क्योंकि वो मार्जिन प्रोफाइल उन्होंने पाँच परसेंट से इम्प्रूव करके नौ साढ़े नौ परसेंट तक ले आए हैं अब अशोक लेलैंड तीन सौ बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंक्रीमेंट है क्या इसको सस्टेन कर सकता है देखिए मार्जिन सिर्फ तीन परसेंट बढ़ने से नेट प्रॉफिट में कितना इम्पैक्ट आता है ये देखिए आप और ये मेरे ख्याल से एक रीज़न है और ये स्टॉक देखिए इनफैक्ट एक काम करिए एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स और अशोक लेलैंड का कंपेरेटिव चार्ट दिखा दीजिए आप जरा ये छह महीने का दिखाई दे चलिए छह महीने में अशोक लेलैंड माइनस टू पॉइंट जीरो एट परसेंट है इसी छह महीने में ऑटो इंडेक्स ने क्या किया एक बार वो फायर कर देते हैं सत्ताईस परसेंट की रैली है मतलब कंपेरेटिव देखिए अब तीस परसेंट के करीब की अंडर परफॉर्मेंस रही है अशोक लेलैंड में अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी अंडर परफॉर्मेंस एक क्वार्टर से खत्म हो जाएगी जैसे कहते हैं ना वंस वेलो डजन मेक अ समर तो इसके लिए ये एक इंटरेस्टिंग मामला होगा यहां पर तो इसके लिए अशोक लेलैंड को आज मैं डार्क ग्रीन लेकर चल रहा हूं अशोक लेलैंड को दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है श्री सिमे श्री सीमेंट में एक न्यूज आई थी इनकम टैक्स वाली उन्होंने क्लैरिफिकेशन भेजा है कि इनकम टैक्स ने कुछ अपडेट मांगी है उनसे लेकिन कोई भी टैक्स डिमांड नहीं है हुँ. तो मुझे लग रहा है आज इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है क्यों क्योंकि एक तो सीमेंट पैक्स है सीमेंट पैक में लार्ज स्टॉक जो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ये मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर क्योंकि उससे पहले अच्छी रैली थी इसमें इस न्यूज़ की वजह से रैली पंक्चर हुई थी मुझे लग रहा है आज इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है तो हमारे दो बिग स्टॉक्स तो हो गए श्री सीमेंट और दूसरा हो गया अपना अशोक लेलैंड अब मैं आता हूँ जो सुबह सुबह हमने न्यूज़ ब्रेक की थी हाँ। और अब मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई साहब इंडस एंड बैंक वालों को कि थोड़ी सी प्रेस रिलीज राइटली वर्डेड होती तो बेटर रहता वो उसमें एच बैंक ग्रुप लिखना चाहिए था आपको उसमें क्योंकि वो ग्रुप मिसिंग था इसके लिए सुबह सुबह सब एक हल्का सा पैनिक फैल गया कि ये एच डी एफ सी बैंक इंडियस इंड बैंक में स्टेक लेने वाला है मैंने तुरंत बात की एच डी एफ सी बैंक से उनका तुरंत क्लैरिफिकेशन आ गया और ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि तुरंत उन्होंने क्लैरिफिकेशन भेज दिया इस चीज़ को लेकर कि नहीं आ, हमारा कोई इरादा नहीं है अभी तो ऑलरेडी इतना काम चल रहा है हजदा ऑलरेडी उनका एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी के साथ आ, मतलब ये लॉजिकल भी नहीं था तो इसके लिए वो सरप्राइजिंग था लेकिन एक क्लैरिटी आ गई अब इसमें है क्या क्योंकि एच बैंक के पास अब एच डी भी है और एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस भी है और अब दोनों का प्रमोटर एच डी बैंक है तो इसके लिए अब वो एक आर से भी अप्रूवल चाहिए तो इसके लिए उन्होंने एक अप्रूवल अब क्या होता है म्यूचुअल फंड और ए क्या और लाइफ इंश्योरेंस क्या करते हैं वो तो अलग अलग स्टॉक में हिस्सा लेते हैं वो एक नॉर्मल चीज है तो उन्होंने उस चीज़ उस को एक नॉर्मल उसमें कोर्स ऑफ़ एक्शन में, में मांगा लेकिन क्योंकि वो प्रेस ना हो, अगर, आप बैंक या HDFC बैंक में, अगर आपकी पोजिशन से इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये बेसिक अप्रूवल रहता है कोई भी अगर ए या फिर आपकी इंश्योरेंस बिजनेस है जैसे एस के केस में होता है कि एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस को अगर किसी में हिस्सा लेना है तो वो पूछते हैं स्पेशली बैंक कॉन्टेक्स्ट में इन द रीसेंट पास्ट हुआ भी है कई सारे बैंकों को लेकर तो वहां पर क्लैरिटी है तो ये इनफैक्ट तीन चार चीज़ें जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए ऑफकोर्स अशोक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आज देखेंगे स्टॉक कैसे रियाक्ट करता है और आ, साथ ही साथ यहाँ पर बाकी स्टॉक्स पर भी आगे नजरें रहेंगी श्री सीमेंट का ध्यान रखिएगा मैं वही मुझे याद है कि 4000 करोड़ वाला मामला था हुँ, हुँ. तो वहां पर अगर कोई टैक्स डिमांड नहीं है और सिर्फ क्लैरिटी मांगी है और इन्फॉर्मेशन मांगी है तो वाकई में एक अच्छा खासा रिलीफ होगा चलिए हमारा पैनल भी तैयार है और आपको बताएंगे कि कहां पर ट्रेड लेना है